एक और बहुत मैसेज जैसे एक चीज होती है कि भाई सेल्फ स्टडी करेंगे तो नहीं होगा क्या, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है इसका। आपको पहले देखना पड़ेगा कि जो बच्चा सेल्फ स्टडी करके सेलेक्ट हुआ वो बच्चा कौन सा बच्चा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहां से आता है, उसने बीटेक करी है, बीएससी करी है। तो कई लोगों के बैकग्राउंड थोड़े फेवरेबल होते हैं, प्लस वो डेडिकेटेड और मोटिवेटेड है। और आपको क्या लगता है वो टीचर से नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, वो सबसे पढ़ते हैं, यूट्यूब पे सबका कंटेंट है, लेकिन वो चूंकि ऑलरेडी एक बेस लेवल पे हैं तो वो अपना पढ़ लेते हैं, सेल्फ स्टडी से काम चल जाता है। बट आइडियली मैं आपको बता रहा हूँ, और वो लोग पेड कोर्सेज से भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, कई सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने ऑन कैमरा नहीं बोला है, मुझे बाद में बताते हैं कि सर आपका कोर्स खरीदा तो नहीं था, एक ऑल इंडिया रैंक 20 में लड़का था, उसने मुझे बोला कि सर कोर्स तो मैंने किसी और का खरीद लिया था, पढ़ा लेकिन आपका था, बट आपके यहाँ ऑफिशियली नहीं पढ़ा था, मैंने अनऑफिशियली पढ़ा था, किसी से लॉगिन लेके पढ़ लिया होगा, तो उसने कैमरे पर नहीं बोला। तो कुल मिला के लोग पढ़ लेते हैं आज की डेट में, हर कोई किसी ना किसी टीचर से उसका पेड कोर्स का एक्सेस लेके पढ़ ही लेता है। तो आप इन सब चक्करों में नहीं पढ़ो कि खुद से ही करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, आपको देखना कि आपका कितना टाइम बर्बाद होगा अगर आप सेल्फ स्टडी मोड में जाते हो, कंटेंट खोजने में कहां से क्या पढ़ना है, देन हर बार यूट्यूब पे आके ऐड देखना, वो भी तो टाइम वेस्ट है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक ऑनेस्टली बताता हूं, जैसे यूट्यूब में बहुत कम यूज करता हूं, बट जब भी मैं यूट्यूब खोलता हूं और मुझे ऐड दिखता है तो मुझे पसंद नहीं आता है। एक समय था जब मैंने अपने चैनल पे एड्स बंद कर रखे थे और मुझे पता लगा कि यार इसकी वजह से ना रीच चैनल की कम हो जाती, तो ऐड लगा दिया मैंने। अब मेरे मोबाइल में यूट्यूब में चलाता हूं, मुझे ऐड नहीं देखना, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? मैं कुछ काम करने आया हूं, वहां पर मुझे हेल्दी फाइव मी का ऐड चल रहा है, प्रोटीन का ऐड दिखा रहा है, जो मर्जी ऐड दिखाया जा रहा है, तो मैं काम कुछ करने आया हूं, डिस्टर्ब हो रहा हूं। तो मैंने एक यूट्यूब प्रीमियम आता है, यूट्यूब प्रीमियम ले रखा है जिससे मुझे ऐड ना दिखे, 150-160 रुपए महीने का कुछ होता है यूट्यूब प्रीमियम, तो वो मैं यूट्यूब को इसलिए पे करता हूं, लीगली लीगल तरीका है। और भी ऐसे ऐप्स आते हैं जिसमें ऐड नहीं देते हैं, बट वो तुम्हारा डेटा भी उड़ा ले जाते हैं, वहां सिक्योरिटी नहीं होती डेटा की, तो मैं इसलिए पे करता हूं जस्ट कि मुझे ऐड ना दिखे। ठीक है, मेरे को फोकस काम करना है यार, मैं वहां जाकर ऐड थोड़ा देखूंगा, वेट करूंगा कब स्किप करूं। ठीक है, क्लियर नॉट? तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट एवरी ऐड दैट यू सी ऑन यूट्यूब जस्ट डिस्ट्रैक्ट्स यू, आपके दिमाग में नेसेसरी चीज भरने की कोशिश की जा रही है। तैयारी में आपको फोकस रहना बहुत जरूरी है, टेक ए बैच, क्योंकि बैच लेने से आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म होगा। जब आप एक टीचर के पास पर्टिकुलरली आते हो, एक ट्रस्ट शो करते हो कि मुझे इस टीचर से पढ़ना है, वो बहुत वैल्यू डिलीवर करता है आपकी तैयारी में। आप भटकाओ आपका खत्म हो जाएगा, भटकाओ खत्म होने के बाद आप फोकस करके अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ओके,